हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पावर इन एसी सर्किट, इन विच वी डिस्कस अबाउट द एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, एपरेंट पावर। फिर हम लोगों ने उनका पावर ट्रायंगल भी बनाया था। फिर लास्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ा था उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, और उस न्यूमेरिकल से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश किए थे कि हाँ क्या निकाल सकते हैं, रिएक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। इस क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और उसको देखेंगे, दैट इज पावर विथ हार्मोनिक्स। जब आपका सप्लाई वोल्टेज करेंट में हार्मोनिक्स होगा, हार्मोनिक्स इज नथिंग बट नॉन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज और करेंट इज नॉन एज हार्मोनिक्स। उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि जब आपका हार्मोनिक प्रेजेंट होगा वोल्टेज और करेंट में, तो उस केस में हम पावर कैसे निकालते हैं, दैट इज एक्टिव पावर या एवरेज पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक कंसीडर करते हैं वोल्टेज इक्वेशन। Vt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Vm1 साइन ओमेगा टी प्लस। अब हम बोल रहे हैं आपको कि वोल्टेज इक्वेशन में क्या होगा, हार्मोनिक्स होगा। मींस अगर हम ओमेगा को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानते हैं, तो उसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है दैट इज द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम मान सकते हैं वोल्टेज, और आपको क्या मिल रहा है Vm2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस Vm3 साइन 3 ओमेगा टी। ये एक वोल्टेज इक्वेशन में लिया जिसमें हार्मोनिक्स है, वोल्टेज विथ हार्मोनिक्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है, उसके साथ आपका नॉन फंडामेंटल कंपोनेंट भी है। उसी तरह से अगर IT की बात करें, तो IT का आप एक इक्वेशन ले लो, IT इज इक्वल टू Im1 साइन ओमेगा टी, और शिफ्ट कर लो प्लस Φ1 से, प्लस Im2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस Φ2 प्लस Im3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस Φ3। तो ये हम वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन लिए, जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी जो है एक ओमेगा है, फिर 2 ओमेगा है, 3 ओमेगा है, और भी अलग काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। और वोल्टेज में भी आप देखो हार्मोनिक्स है, करंट में भी हार्मोनिक्स है। अब हमें इसका एवरेज पावर फाइंड करना है कि एवरेज पावर होगा क्या। तो जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एवरेज पावर PT इज इक्वल टू VT मल्टीप्लाइड बाई IT करते थे, और उससे हमारा एवरेज पावर कुछ निकलता था। आपको याद होगा एवरेज पावर 1/T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T PT dt करके हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें हम एवरेज पावर निकालने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक वोल्टेज इक्वेशन आप ले लो, VT इज इक्वल टू लेट अस से Vm साइन ओमेगा टी, और IT आप ले लो दैट इज इक्वल टू Im साइन, यहाँ ओमेगा टी है तो आप 3 ओमेगा टी ले लो, 3 ओमेगा टी प्लस Φ। ये एक वोल्टेज इक्वेशन लिए, ये करंट इक्वेशन लिए, और इसका अगर आप पावर निकालो PT, तो PT हम क्या लिख सकते हैं, VT मल्टीप्लाइड बाई IT। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Vm Im इंटू साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन 3 ओमेगा टी प्लस Φ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन है साइन भी। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर, Vm Im बाय 2, 2 साइन है साइन भी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस बी कीजिए तो माइनस 2 ओमेगा टी माइनस Φ, कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, तो ये 2 ओमेगा टी प्लस Φ आ जाएगा, माइनस cos of a plus b that will give you 4 omega t plus Φ, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। तो ये हमारा PT का इक्वेशन आया, जिसमें हम वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी एंड करंट का फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंस लिए हैं। इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है। तो अब देखो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है उसमें दोनों इक्वेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, दोनों इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है। आप देख सकते हो यहाँ कॉस 2 ओमेगा टी है, यहाँ कॉस 4 ओमेगा टी है। तो अगर मैं इसका एवरेज पावर की बात करूँ, पी एवरेज आप करेंगे 1/T फुल टाइम पीरियड के लिए PT dt,
ठीक है, अगर आप एवरेज पावर निकालोगे तो आपको पता है कॉस 2 ओमेगा टी का जो एवरेज होगा फुल साइकिल में वो जीरो आएगा, उसी तरह से कॉस 4 ओमेगा टी का भी एवरेज जो आएगा वो जीरो होगा, तो ओवरऑल आपको एवरेज पावर जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका वोल्टेज और करेंट का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा उस केस में जो एवरेज पावर आएगा वो जीरो आएगा। देखो आप यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ 3 ओमेगा टी है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। अगर यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ भी ओमेगा टी होता तो पिछले लेक्चर में जैसा हम लोग देखे थे कि एवरेज पावर कुछ निकलता है वो निकलता, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पे 2 ओमेगा टी ले लो, कोई भी ओमेगा से अलग कुछ भी लेंगे तो आपका एवरेज पावर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इसका एवरेज जीरो होगा और इसका भी एवरेज जीरो होगा, तो ओवरऑल जो एवरेज पावर है वो जीरो होगा। हाउएवर इंस्टेंटेनियस पावर आपको मिलेगा लेकिन एवरेज पावर जीरो होगा, मतलब कि यूजफुल पावर जीरो आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एवरेज पावर जीरो कब आता है, जब वोल्टेज और करंट का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है। अगर वोल्टेज एंड करंट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो उस केस में आपको एवरेज पावर मिलेगा, जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर। तो यहां देखिए, यहां पे हमारा वोल्टेज इक्वेशन है Vm1 sin ωt, Vm2 sin 2ωt, Vm3 sin 3 ωt, उसी तरह करंट इक्वेशन है। अब डायरेक्ट हम एवरेज पावर लिख सकते हैं, कैसे एवरेज पावर लिख सकते हैं, पी एवरेज अगर हमें लिखना होगा तो पूरा हमको PT पहले निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि जो आपका एवरेज पावर मिलेगा वो उस प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट से मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पे Vm1 sin ωt और Im1 sin ωt, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो इसी से आपको एवरेज पावर मिलेगा। तो यहाँ पे एवरेज पावर जो मिलेगा दैट इज Vm1 Im1/2 इंटू कॉस, एंगल बिटवीन दीज टू, तो एंगल बिटवीन दीज टू क्या है, cos 5/1, ये हमारा एवरेज पावर मिला पहले से। अब बताओ Vm1 sin ωt मल्टीप्लाइड बाई Im2 sin 2 ωt एवरेज पावर देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख लिए एवरेज पावर जीरो होता है उसका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट का जिसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ 2 ओमेगा है, तो इससे आपको एवरेज पावर मिलेगा नहीं, उसी तरह से इसका इससे मल्टीप्लाई करो एवरेज पावर मिलेगा नहीं, तो आपको सिर्फ एवरेज पावर इसके और इसके अक्रॉस मिलेगा। अब देखो अगर हम ये लें और ये ले तब भी तो हमको एवरेज पावर मिलेगा, क्योंकि इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टी है, इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टू है, इसका मतलब है कि इन दोनों के वजह से भी एवरेज पावर मिलेगा, प्लस Vm2 Im2/2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस, फेज डिफरेंस कितना है 5/2 का, तो 5/2, उसी तरह से फिर Vm3 और Im3 इन दोनों का फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा सेम है, इसलिए इससे भी आपको मिलेगा Vm3 Im3/2 इंटू कॉस 5/3। तो एवरेज पावर हम इस तरह से निकाल सकते हैं अगर हमको एक पॉइंट पता है, दैट इज कि आपको एवरेज पावर उसी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट से मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो उससे आपको एवरेज पावर नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये वोल्टेज इक्वेशन या करंट इक्वेशन दे देता और आपसे पूछता है एवरेज पावर क्या है, तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो जिसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है उसका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट कीजिए, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 कीजिए और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 मैं क्यों किया, क्योंकि पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू में अगर पीआई को रिप्रेजेंट करते हो तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा, या फिर आरएमएस में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो वीआरएमएस आईआरएमएस आ जाएगा, 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर जो नहीं देखे हैं, जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको अब मैं बोलता हूँ कि आप फर्स्ट पहले जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप जाके देखो, उसके बाद फिर ये लेक्चर आप देखो, तभी आपको हार्मोनिक समझ में आएगा। तो इस तरह से हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। मान लीजिए एवरेज पावर कुछ आता है, अब इसमें एक और सवाल पूछ सकता है कि फाइंड द इनपुट पावर फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए वोल्टेज हम एक सोर्स दे रहे हैं जिसका ये इक्वेशन है, करंट उसमें ये फ्लो हो रहा है, तो बताओ लोड के अक्रॉस तो इतना चीज आ रहा है लेकिन इनपुट पावर फैक्टर क्या है, ये भी एक सवाल आ सकता है। तो इनपुट पावर निकालने के लिए आपको पता है, इनपुट पावर फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे हमको पता है कि टोटल आरएमएस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई टोटल आरएमएस करेंट इंटू कॉस 5 इज नथिंग बट टोटल पावर फ्लोइंग इन द सर्किट। अगर सर्किट में वोल्टेज इक्वेशन ये है, करंट इक्वेशन ये है, तो टोटल पावर जो फ्लो करेगा वो एवरेज पावर ही तो होगा, तो इज इक्वल टू पी एवरेज। ये कॉस 5 क्या है, यही तो आपका इनपुट पावर फैक्टर है,
तो इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई क्या आ जाएगा, पी एवरेज अपॉन टोटल आरएमएस वोल्टेज इनटू टोटल आरएमएस करंट। ठीक है, तो दो तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पावर विथ हार्मोनिक्स में। एक बोल देगा वोल्टेज इक्वेशन करंट इक्वेशन देके एवरेज पावर बताओ, या टोटल पावर कितना सर्किट में है या अक्रॉस लोड कितना है, ये पहला सवाल। दूसरा इनपुट पावर फैक्टर भी पूछ सकता है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए वोल्टेज इक्वेशन साइन में दिया, करंट इक्वेशन एक साइन में है, दूसरा कॉस में है, फिर तीसरा साइन में है, तो आप जब उसका एवरेज पावर निकालो तो दोनों को सेम रेफरेंस में रखना, इधर साइन में रखो या कॉस में रखो, अदरवाइज गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे साइन टू ओमेगा टी है, साइन टू ओमेगा टी है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट आप देख लिए कि हाँ फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में फाइव टू है, कॉस ऑफ फाइव टू कर दिए, लेकिन एक साइन में होता दूसरा कॉस में होता तो उसको हमको साइन में चेंज करना पड़ता है, या ऊपर वाले को कॉस में आप चेंज करो, उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात, तो आपको पता होना चाहिए दोनों को सेम। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, साइन में ही रखते हैं, अगर कॉस में कोई आ रहा है तो उसको साइन में आप चेंज कर दो, उसके बाद जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसका कोसाइन कंपोनेंट लो, ये गलती मत करना। क्लियर हुआ, या फिर एक और तरीका है, यहाँ पे माइनस दे देगा तो उसको आपको अंदर लेना पड़ेगा। फेज डिफरेंस जो माइनस क्यों आता है, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा एवरेज पावर निकालने के लिए। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था नेटवर्क में। इसका एप्लीकेशन आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी डील करता हूँ, तो आपको मैं बताऊँगा कि वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि पावर विथ हार्मोनिक्स। अभी मैं आपको क्या बताया कि आपको एवरेज पावर या आउटपुट पावर उन प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट से मिलेगा जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो ऐसे में आप देखो जब हम रेसिस्टिव लोड लेते हैं तो पावर क्या लिखते हैं, अगर हम रेक्टिफायर की बात करें या फिर इन्वर्टर के रेसिस्टिव लोड में हमारा पावर क्या होता है, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। और वही हम इंडक्टिव लोड लेते हैं तो वहाँ पे पावर वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज लेते हैं। तो आप इसका बताना, अगर आपको हार्मोनिक्स ये पूरा समझ में आ गया और आपको ये पता है कि एवरेज जो पावर है वो आपको तभी मिलेगा जब वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तभी उसे एवरेज पावर मिलेगा। अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपको आंसर पता है तो आप यूट्यूब कमेंट करो। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करो कि आपको नहीं पता है, तो हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिटेल में देखेंगे कि क्यों भाई आर लोड के लिए वी नॉट आर एम एस स्क्वायर बाई आर करते हैं, मतलब आर एम एस वोल्टेज लेते हैं, और जब आर एल या आर एल ई लोड आता है तो वहाँ पर वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज करते हैं पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा, इसलिए आपको इतना चीज़ पता है। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक न्यूमेरिकल तो बनता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल मेरे साइड से आप लीजिए और उसका आंसर निकाल के आप यूट्यूब कमेंट में आप कमेंट करना। ठीक है, तो ये एक होमवर्क मैं आपको दिया हूँ, दिस इज़ होमवर्क, जिसमें वोल्टेज इक्वेशन कुछ दे रखा है, करंट इक्वेशन भी कुछ है, और आपको दो चीज़ फाइंड करना है, दैट इज़ फाइंड टोटल पावर, सेकेंड इज़ इनपुट पावर फैक्टर। तो टोटल पावर आपको मैं बता दिया कैसे निकालना है, आप इसका निकाल के कमेंट कीजिए यूट्यूब में, मैं इसको चेक करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज़ इनपुट पावर फैक्टर, तो हमें इनपुट पावर फैक्टर आपको बताया किस तरह से निकालना है, ये एक इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। इसमें देखो डिनोमिनेटर में हम टोटल आरएमएस वोल्टेज और टोटल आरएमएस करंट लिखे हैं, इसको कैसे निकालते हैं मैं डिस्कस नहीं किया हूं, ये मैं लेक्चर जो पहला मेरा लेक्चर था उसमें मैं डिस्कस किया हूं कि कैसे आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट किसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हम निकालते हैं, तो आप उस लेक्चर को फॉलो करके वी आरएमएस और आई आरएमएस इसका निकाल सकते हो। तो ये दो आप निकालो, टोटल पावर एंड इनपुट पावर फैक्टर, एंड राइट डाउन योर आंसर इन द यूट्यूब कमेंट, आई विल चेक इट, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, आई विल एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एसी सर्किट। ओके, थैंक यू।